हाय गाइस, वेलकम टू टैग माय कॉलेज। सो इस वीडियो में बात करूंगी जेई एडवांस के एडमिशंस जो कि डिले हो जाएंगे बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में अभी अभी इसका केस गया हुआ है जेई एडवांस का। सो बेसिकली जेई एडवांस की मैं बात करूं तो वो आईआईटी मद्रास ने कंडक्ट करवाया था इस बार। एंड बात हुई ये है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ यू नो स्टेड पुट अ होल्ड ऑन द एडमिशंस टू ऑल द आईआईटीज ओवर द अवार्ड ऑफ द बोनस मार्क्स टू कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द जेई एडवांस। सो बेसिकली द स्टूडेंट्स वर अवार्डेड ग्रेस मार्क एज द की आंसर की टू 7 ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच वेंट मिसिंग। सो एक पिटीशन फाइल की गई थी कोर्ट के सामने जिसमें इस ग्रेस मार्क्स के जो अवार्डिंग के तहत पे एक ऑब्जेक्शन लगाया गया था, लाइक दिस शुड बी गिवन टू ओनली हु हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन नॉट टू ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स। सो बेसिकली ये एक पिटीशन थी जो फाइल की गई थी एंड इसकी वजह से सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स में अभी एडमिशन्स को रोक लगा दी गई है जिसमें भी आईआईटी जेई के थ्रू एडमिशन्स होने थे। सो द बेंच हैज सेड बेंच इज हेडेड बाय जस्टिस दीपक मिश्रा, तो उन्होंने कहा है कि अब हाईकोर्ट में जेई एडवांस से रिलेटेड कोई भी पिटीशन नहीं आएगी, नहीं वो मतलब उस चीज़ को एंटरटेन करेंगे। ऐसा इसलिए किया गया बिकॉज रजिस्ट्रार जनरल्स ऑफ द हाई कोर्ट ने इन्फॉर्म किया था कि सैटरडे को बहुत सारे नंबर ऑफ केसेस एंड नंबर ऑफ पिटीशंस वर इन्वॉल्व्ड विद रिस्पेक्ट टू जेई आईआईटी, मतलब आईआईटी एडवांस से रिलेटेड बहुत सारे पिटीशन और केसेस रजिस्टर अप हुए थे। सो बेसिकली जून 30th को अपेक्स कोर्ट ने भी एक नोटिस इशू कर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कि इस आईआईटी जेई की रैंक लिस्ट के तहत कोई ना कोई एक सोल्यूशन निकलना चाहिए। एंड पिटीशन में बेसिकली हुआ यह था कि बोनस मार्क्स के रिलेटेड ही हुआ था कि जो बोनस ग्रेस मार्क्स दिए गए थे वो सारे स्टूडेंट्स को नहीं देने चाहिए थे, ओनली those who have attempted this should be awarded. So it has also sorted a direction for the preparation of all India rank list, you know, after this JEE advance. So the number of the incorrect questions to the candidates who have attempted the right answers as well. तो इसके अलावा बहुत सारी पिटीशंस भी आई थी कि मेरिट लिस्ट पे, काउंसलिंग्स पे, इन सारी चीज़ों पे भी लेगी गई थी। तो सो कोर्ट ने भी सारी चीज़ों को रोक लिया है एंड इसकी नेक्स्ट हियरिंग जो होगी वो मंडे को होगी। सो टिल देन आई विल बी एबल टू टेल एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ दिस एंटायर केस। सो दैट वॉज ऑल फॉर द वीडियो। टू नो मोर अबाउट अपडेट्स प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।